हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्री में AI इमेज कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, फ्री में AI इमेज कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके पास विंडोज का कोई भी लैपटॉप है, मतलब कि आपके लैपटॉप में विंडोज 10, विंडोज 11 या फिर अगर मान लीजिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप फ्री में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले देखिए आपके लैपटॉप में ये ब्राउजर होगा, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर यहां पर ये नहीं दिख रहा है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहां पर सर्च कर लेंगे। आप यहां पर टाइप करेंगे ADGE। जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे तो आपके सामने यहां पर माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड ब्राउजर आ जाएगा और यहां पर इसको आप ओपन करेंगे। मान लीजिए कि आपके विंडोज 7 लैपटॉप में ये ब्राउजर नहीं है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है अपने क्रोम ब्राउजर में भी सर्च इंजन यानी बिंग का सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा, फिलहाल मैं आपको एक फ्री में AI इमेज बनाने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूं। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है लेआउट आ जाएगा। अब करना क्या है, यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये सर्च द वेब है आपके सामने। यहां पर देखिए, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सर्च विद AI। आपको यहां पर क्लिक कर लेना है। आपको ज्यादा किसी भी वेबसाइट के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो सेटिंग मिलेगी आपको, देखिए चूज ए कन्वर्सन स्टाइल, तो यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट मोर बैलेंस आता है। आपको यहां पर मोर क्रिएटिव वाले जो ऑप्शन है उस पर चुनाव करना है, खासकर जब आप फ्री में ओरिजिनल तरीके का कोई AI इमेज बनाना चाहते हैं। तो आप यहां पर क्रिएटिव वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। हम यहां पर क्रिएटिव वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं और यहां पर देखिए आपको 4000 वर्ड दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर 4000 शब्दों में, अगर कोई आप बहुत बड़ा इमेज बनाना चाहते हैं, AI इमेज फ्री में बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा उसमें मतलब पूरा एकदम सीन बनाना चाहते हैं, तो आप 4000 वर्ड में, शब्दों में आप यहां पर लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद से ये आपको फ्री में AI इमेज बना देगा। मैं आपको यहां पर एग्जांपल बताऊंगा फिलहाल। तो यहां पर क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक फोटो बनाना है। किसका बनाना है, लॉर्ड शिवा का। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्रिएट ए इमेज ऑफ लॉर्ड LORD लॉर्ड शिवा, ठीक है। अगर ये देखिए मैंने इतना लिख दिया तो एक भगवान भोलेनाथ का यहां पर फोटो बनकर आ जाएगा। इसमें अगर कुछ डालना चाहते हैं जैसे कि बैकग्राउंड, ठीक है, वेयर BACKGROUND बैकग्राउंड इज, क्या रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड इज मैं यहां पर ग्रीन रखना चाहता हूं, चलिए मैंने ग्रीन बना दिया। तो यहां पर जो एक इमेज बनेगा, AI इमेज बनाकर देगा हमें, तो बैकग्राउंड ग्रीन देगा। अगर हमने यहां पर बैकग्राउंड नहीं लिखा होता तो भी वो बनाकर देता। चलिए मैं यहां पर, मैं आपको दिखा देता हूं फिलहाल। यहां पर चलिए मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, क्या लिखूंगा मैं, क्रिएट ए इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, ओके। तो देखिए ये क्या बनाकर देता है, तो मैंने यहां पर सिंपली एंटर कर दिया है। आपको अपने कीबोर्ड के, लैपटॉप के कीबोर्ड से या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड से एंटर कर देना है। और ये देखिए यहां पर कुछ समय लेगा, यहां पर टाइप करके आ गया, आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट, ठीक है। एंड यहां पर लिख रहा है कि कैन यू एड ए स्नैक टू द इमेज, तो आप यहां पर डाल सकते हो कि स्नैक भी हो, ठीक है। चेंज इज लॉर्ड विष्णु, क्या आप चेंज करना चाहते हैं विष्णु भगवान के रूप में, तो आप यहां से वो भी कर सकते हो। तो आप बेसिकली यहां देखो ये इस तरीके का इमेज आ जाएगा, योर इमेज इज जनरेटिंग। दोस्तों ये एक तरह से फ्री AI इमेज जनरेटर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहां पर भगवान शंकर का फोटो आ गया है, लॉर्ड शिवा का यानी कि भगवान शंकर का फोटो आ गया, हमने ये इमेज को बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत इमेज जो है AI ने बनाकर दिया है हमें। देखिए इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बेसिकली, ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड का बटन है सेव का, इस फोटो को आप सेव कर सकते हैं अपने PC में। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ लैपटॉप पे नहीं, आप चाहे तो अपने मोबाइल फोन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। डाउनलोड करेंगे ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए डाउनलोड हो गया हमारे PC में। इसको ओपन करेंगे, ये फाइल डाउनलोड हो चुकी होगी, यहाँ पर डाउनलोड हो गई। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे, देखिए कितना बढ़िया फोटो इसने AI ने बनाया है लॉर्ड शिवा का, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप काफी सारे इमेजेस बना सकते हैं। और यहां पर क्या है कि मैंने यहां पर बैकग्राउंड ग्रीन नहीं लिखा था, हटा दिया था, ठीक है, भगवान भोलेनाथ का ये फोटो है। और मैं अब क्या करूंगा, बैकग्राउंड चेंज करूंगा इसमें, इस फोटो में। बेसिकली आप जितना चाहे उतना ज्यादा यहां पर फोटो क्रिएट कर सकते हैं। और मैं यहां पर टाइप करूंगा क्रिएट अ इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड बैकग्राउंड के लिखना है वेयर बैकग्राउंड इज ग्रीन एंड स्काई ब्लू, ओके।
हमने यहाँ पर इतना लिखा एंड यहाँ पर फिर से ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे एंड वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अब ये जो एआई है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है, बिंग चैट विद जीपीटी 4 एआई है, ये हमें बनाकर देगा दूसरा इमेज। देखिए बनाना शुरू कर रहा है, यहाँ पर लिखा रहेगा कि योर इमेज इज जनरेटिंग। बेसिकली आप इस इमेज को, मैं बार बार कर रहा हूँ, अपने मोबाइल फोन से, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन से, आईफोन से, किसी भी मोबाइल फोन से कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ये एक तरह से इंटरनेट का टिप्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंप्यूटर में बता रहा हूँ तो आप सिर्फ कंप्यूटर में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, आप टैबलेट में कर सकते हैं, मोबाइल फोन में कर सकते हैं, हर एक मोबाइल यूजर भी इस टिप्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत फोटो बना दिया है, कितना कमाल का फोटो। ये देखिए कितना, मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऐड किया कि ग्रीन एंड स्काई ब्लू, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत फोटो। मैं इसको डाउनलोड करूंगा यहाँ से, ये देखिए मैंने डाउनलोड कर दिया। एंड दूसरा भी फोटो देखिए, ये देखिए भगवान शिव का जो दूसरा फोटो, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तीसरा फोटो देखिए यहाँ पर, ये भगवान शिव का, इसको भी डाउनलोड करता हूँ, इसको सेव भी कर सकते हैं आप बेसिकली। और ये चौथा फोटो देखिए कितना कमाल का खूबसूरत फोटो, यहाँ पर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए कितना बढ़िया मतलब फोटो है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए ये एआई ने बनाया है दोस्तों, कितना खूबसूरत फोटो मैंने यहाँ पर, मैंने बता दिया किस तरह से मैंने बनाया है। फ्री में बना सकते हैं इसको, कोई भी चार्ज नहीं है बनाने का। ये हमारा एआई वाला फोटो है, फ्री में हमने बनाया है और कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि आप भी बना सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से कट करता हूँ बेसिकली यहाँ पर, और मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जो यहाँ पर मैं जाऊँगा डाउनलोड में, क्योंकि मैंने ये फोटो डाउनलोड किया है। दूसरा फोटो ये मैंने, देखिए ये वाली फोटो, ये भी फोटो मैंने अभी जस्ट बनाया आपके सामने। ये फोटो कितना मस्त कमाल का फोटो है, भगवान शंकर का, भोलेनाथ का, ये देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं फ्री में एआई इमेजेस। देखिए यहाँ पर ये भगवान शंकर का, ये मेरे ख्याल से माता पार्वती का फोटो है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने चार ऑप्शन बनाकर दिए हमको, किसने बना दिए यहाँ पर इसने, यानी कि यहाँ पर जो एआई इमेज जनरेटर है इसने बना कर दिए, कितना, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से आप चाहें तो आप यहाँ पर लॉर्ड, यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि चेंज इज टू लॉर्ड विष्णु, तो आप इस पर क्लिक करेंगे डेफिनेटली ये चेंज हो जाएगा, लॉर्ड भगवान विष्णु का यहाँ पर जो है फोटो आ जाएगा, इमेजेस आ जाएगा, जो बिंग इमेज क्रिएटर है वो हमें बनाकर देगा। देखिए आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट, एंड यहाँ पर ये देखिए जो एआई है वो यहाँ पर इमेज जनरेट कर रहा है। बेसिकली ये एक फ्री इमेज जनरेटर है एआई के माध्यम से, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप में, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। और ये देखिए भगवान विष्णु जी का ये फोटो कितना खूबसूरत, यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु जी का फोटो, ये देखिए इस तरीके से देखिए कितना खूबसूरत, इसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं बेसिकली। ये देखिए कितना मस्त फोटो। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग फ्री में एआई इमेज बना सकते हैं, मुझे यही टिप्स बताना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से और साइंस के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं।